हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में हमने बात किया था आपके एंटीस्पेसमिडिक ड्रग के डिफरेंट क्लासिफिकेशन और उसके अंदर इंक्लूड किए गए कुछ सब क्लास, और हमने एक ही लाइन में ये देखना स्टार्ट किया था कि वो काम कैसे करते हैं। आज के इस वीडियो में उन्हीं क्लासिफिकेशन का जो पहला और इंपॉर्टेंट क्लास है, इसके मैकेनिज्म ऑप्शन के बारे में हम एक डेमो के साथ और उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ इस चीज को समझने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आपके मेन एग्जाम के साथ साथ डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली भी। शुरू करते हैं आज की पहली क्लास के बारे में जानना, और हमारा आज का जो पहला क्लास है वो है एंटी एस्थमेटिक ड्रग, और उसके अंदर हम बात करने वाले हैं ब्रोंकोडायलेटर्स की। इस ब्रोंकोडायलेटर के अंदर भी हम बात करने वाले हैं जो उनका सब क्लास है, वह है आपका बीटा टू सिंपैथोमिमेटिक ड्रग। आइए सबसे पहले इस लंबे टॉपिक को समझते हैं, क्योंकि टॉपिक ही आपको बताने वाला है कि आगे इसका आंसर कैसे लिखा जा सकता है। मैं आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों में आज दो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हाउस होल्ड बनाया गया है। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम अपने घर या अपने आसपास में प्रेजेंट इन चीजों को यूज करके फार्माकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को कैसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक कार्डबोर्ड का एक कोन शेप में बना हुआ स्ट्रक्चर है, दूसरे हाथ में आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक सीजर यानी कि एक कैंची है। इस कैंची का दो यूज मैं करने वाला हूं आज। सबसे पहले आप ही जानते हैं कि हम अक्सर कहते हैं कि आपको एक कैंची अपने पास रखी होनी चाहिए, जिससे आप मेंटली किसी दिए गए वर्ड को दो या दो से अधिक जितना मीनिंग आपको मालूम है उतने मीनिंग में उसको कट करते चलें। तो फिजिकली मैं इसको कट करने वाला हूं एंटी एस्थमेटिक ड्रग। उसके बाद देखेंगे ब्रोंको डायलेटर को, अगर मैं ब्रेक करूं तो ब्रोंको और डायलेटर के बीच में एक कट लगा दिया जाएगा, और अर्धलास आप देखेंगे बीटा सिंपैथोमिमेटिक। तो मैं यहां पे तीन कट करूंगा, एक बीटा टू में कट लगेगा, एक सिंपैथेटिक सिस्टम में सिंपैथो में कट लगेगा, ऑटोमेटिकली आपका माइमेटिक अलग हो जाएगा। ये तो बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए ही था। आप हमेशा इस तरह से वर्ड को कट करिए तो आंसर सामने आएगा। इसका मतलब क्या है, यहां तक आप तो जानते ही हैं। ब्रोंकोडायलेटर कहने का मतलब है ऐसे ड्रग जो कि हमारे ब्रोंकिया का, जिसको ऑलरेडी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है और उसकी वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, इसको डायलेट करके उसको वापस से पहले की जैसे नॉर्मल कंडीशन में लेकर के आने का काम करते हैं। ऐसे ड्रग जिनके काम करने का मुख्य तरीका डायलेशन या रिलैक्सेशन पे बेस्ड होता है, इन्हीं को हम कहते हैं ब्रोंकोडायलेटर। अब इसके अंदर जो सब क्लास के ड्रग हैं वो अलग अलग मैकेनिज्म या अलग अलग पॉइंट के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो इस क्लास के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट सब क्लास है उसमें है आपका बीटा सिंपैथोमिमेटिक, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि बीटा टू एडिनर्जिक सिस्टम सिंपैथेटिक सिस्टम की नकल करते हों, हूबहू उनके जैसा काम करने का प्रयास करते होंगे, क्योंकि जो बीटा टू एगोनिस्ट है, सेलेक्टिव बीटा टू जो एगोनिस्ट है, जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, इनका काम यह होता है कि यह आपके ब्रोंकिया को डायलेट करें। जब हमारा ब्रोंकिया कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है अस्थमा के केस में, तब अस्थमा का अटैक आता है। मैं अगर इसके कॉन्स्ट्रिक्शन को वापस से डायलेट कर दूं तो उनका जो अटैक था वो तो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने समझा कि कैसे ये ड्रग इस क्लास के अंदर का जो सब क्लास है सिंपैथोमिमेटिक वो काम कैसे करता है। ये हेडिंग की बात हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं उनके डिटेल मैकेनिज्म की ओर। सबसे पहला दिया हुआ है बीटा टू रिसेप्टर एक्टिवेशन। अगर बीटा टू रिसेप्टर एगोनिस्ट जो कि उसके काम करने में उसी के डायरेक्शन में फ्लो को स्टार्ट करने में मदद करेगा, ऐसे ही एजेंट को हम कहते हैं एगोनिस्ट, सहयोग करने वाले ड्रग, मदद करने वाले ड्रग, उसकी काम को आसान करने के लिए उसी के डायरेक्शन में मूव कराने वाले ड्रग, इन सबको अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है लेकिन मीनिंग एक ही होगा एगोनिस्ट। तो ऐसे ड्रग जो कि बीटा टू रिसेप्टर पे एगोनिस्ट का काम करेंगे वो काम क्या करेंगे, वो रिलैक्सेशन कॉज करेंगे किसको, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को। अब यहां पे ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अस्थमा हुआ था, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, अब इसका रिलैक्सेशन करेंगे तो अस्थमा की वजह से जो ब्रेथलेसनेस, वीजिंग की साउंड, सांस लेने में तकलीफ थी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसके एग्जाम्पल की बात मैंने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में किया था, चूंकि आपने कहा कई बार की क्लास के अंदर भी यहां पर यूज करूं, तो इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सॉल्ब्यूटामार, टर्ब्यूटालिन, बैम्ब्यूट्रॉल, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जो बीटा टू सेलेक्टिव एगोनिस्ट के हैं। हालांकि और अलग अलग सब्सटेंस हैं लेकिन वो सेलेक्टिव नहीं है, बीटा वन को ब्लॉक करते हैं, इसलिए हमने उनको यहां पे इंक्लूड नहीं किया, केवल बीटा टू सेलेक्टिव एगोनिस्ट को यूज किया है। अब यहां पे एक काम करने का तरीका देखिए, जब कभी भी अस्थमा का अटैक होता है, कारण आपने देखा लेट फेज अर्ली फेज, तो जब कभी अस्थमा का अटैक होगा तो उसकी वजह से जो आपका ब्रोंकिया था वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, और इसको दिखाने के लिए हमने एक सर्कल बनाया है, बीच में जो आप रेड कलर
करके मार्क्स देख रहे हैं वो उसके कॉन्स्ट्रिक्शन को डिनोट कर रहे हैं। अगर मैं इस कॉन्स्ट्रिक्शन को ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि अस्थमा के अटैक को डिसॉल्व करना चाहता हूं, ठीक करना चाहता हूं, और उसके लिए मैं सिंपैथोमिमेटिक ड्रग को यूज कर रहा हूं, तो जब मैं सिंपैथोमिमेटिक ड्रग लूंगा तो ये जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन था वो आगे जाकर के इस तरह से डायलेशन होगा या रिलैक्सेशन होगा तो वो प्रॉब्लम चली जाएगी। ये है हमारे एक लाइन में बीटा टू सिंपैथोमिमेटिक या ब्रोंको डायलेटर के काम करने का तरीका। अब चलिए मैं अब बहुत देर से आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में क्या है, मैं साथ क्या करने वाला हूं, तो मैं आपको दिखाता हूं इसको एक सिंपल तरीके से। ये है हमारा एक नॉर्मल ल्यूमेन ऑफ ब्रोंकिया। थोड़ी देर के लिए ये मान के चलिए कि ये होलो है, आसपास आगे निकल जाएगा, हालांकि ये होलो है ही, तो इसमें आप देख सकते हैं कि डायमीटर एक सफिशियंट मात्रा में है, मतलब इसका जो रेडियस है वो काफी सही है, ऑप्टिमम लेवल में है अगर ये मान के चलूं तो इसमें से एयर का मूवमेंट आराम से हो सकता है और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप उसमें एयर के मूवमेंट को पास करेंगे इस तरीके से तो भी आपको कोई आवाज नहीं आ रही है, लेकिन अगर ये नॉर्मल कंडीशन है और इसमें कोई अस्थमा के ट्रिगरिंग सब्सटेंस आ जाते हैं, आईजीई पे एंटीजन बाइंड हो जाते हैं, या ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, या एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन होगा हमारे गॉबलेट सेल के द्वारा जो आगे जाके प्लगिंग प्रॉब्लम बन जाएगा, तो कारण कोई भी हो, कॉज कोई भी हो, ट्रिगरिंग फैक्टर कोई भी हो, अल्टीमेटली ये जो ल्यूमेन का साइज है हमारे ब्रोंकियल स्मूथ मसल का वो धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट होता जाएगा। तो आप इस तरीके से देखिए, यहां पे आपने उसके ल्यूमेन को देखा, अब इस तरीके से देखिए इसका जो साइज है वो धीरे धीरे कोन के शेप में कम होता जा रहा है, और आपको कुछ देर बाद या एक पर्टिकुलर टाइम बाद आप पाएंगे कि आपका जो ल्यूमेन साइज ऐसा था वो अब लगभग जस्ट रिप्रेजेंटेटिव पर्पज के लिए ये है, एग्जैक्टली इतना साइज नहीं होगा, ये छोटा हो जाएगा। अब इसमें से सांस लेने में एयर के मूवमेंट में प्रॉब्लम जाएगी और एक वीजिंग की आवाज आएगी, जो आप सुन सकते हैं आवाज, इसी तरीके से एक वीजिंग की आवाज आएगी, हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, जस्ट इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये होगा, अभी हमारा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन तो हो गया है, अब इस ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को हमको वापस से पहले के जैसा लेकर के आना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको ठीक करने के लिए ब्रोंको डायलेटर यूज करेंगे जो कि ब्रोंकिया को डायलेट करने का काम करेगा। अब ये डायलेट होता जाएगा तो कैसे दिखेगा, ये जो कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ये डायलेशन अगर हो गया तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसका ल्यूमेन साइज बढ़ा, और अगर ये काम करते जाएंगे इनकी एफिकेसी बढ़ती जाएगी तो आप देख सकते हैं वापस से इनका जो ल्यूमेन साइज है वो बढ़ा गया। इस तरह से जैसे जैसे प्रोग्रेसिवली तरीके से हमारे ड्रग काम करते जाएंगे इनका ल्यूमेन साइज नॉर्मल की तरफ बढ़ता जाएगा, और इस तरीके से अल्टीमेटली हम पाएंगे कि हमारे जो ब्रोंकिया का कॉन्स्ट्रिक्शन था वो आगे जाकर के रिलैक्स होने की ओर बहेगा और अर्धलास ये इस तरीके से रिलैक्स हो जाएंगे। तो हम अभी आपने देखा हमारे छोटे से प्रेजेंटेशन के थ्रू कि जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन था ये मेन प्रॉब्लम है अस्थमा का। हमारा मेन थेरेपी का टारगेट यही होना चाहिए कि हम उसको ऐसे ड्रग दें जो कि ब्रोंकिया को डायलेट करे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अब हम आगे बढ़ते हैं इनके मैकेनिज्म और एक्शन को समझने के लिए व्हाइट बोर्ड पे, चलिए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा टू सिंपैथोमिमेटिक, या इसी को समझ सकते हैं हम मेन क्लास के रूप में ब्रोंको डायलेटर का। देखिए बीटा टू एगोनिस्ट, बीटा टू याद रखिएगा, इट इज नॉट बीटा वन, इट इज स्पेसिफिकली सेलेक्टिव बीटा टू। तो जो बीटा टू एगोनिस्ट है आर कपल टू जीएस प्रोटीन, आपने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में हमारे जो फर्स्ट फार्माकोलॉजी था उसके अंदर हमने जी प्रोटीन के एक्सप्लेन किए हैं आपको एक ओरल लेक्चर के थ्रू, एक व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन के थ्रू और एक एनिमेशन के थ्रू, तो चाहे आप उनको दोबारा देख करके समझ सकते हैं। तो जी प्रोटीन के साथ कपल होंगे तो क्या होंगे, दे विल एक्टिवेट द एडिनाइल साइक्लेज, इनके कपल होने के साथ साथ एडिनाइल साइक्लेज स्टार्ट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा तो वो आगे कौन सा काम करेगा, ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन है। आपको बुक्स में इस तरह के मैकेनिज्म और एक्शन देखने को नहीं मिलेंगे, आपको एक पैराग्राफ के फॉर्म में दिखेगा। तो हमने उस पैराग्राफ को कन्वर्ट कर दिया है 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में, आप चाहें तो उसको 1-to-1 के फॉर्म में इसी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, या तो एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में सब में एरो लगा करके भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये आपकी इंटेलिजेंसी पे डिपेंड करेगा कि कैसे आप आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन तरीका यही होगा, एक एक पॉइंट के रूप में आप समझा दें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगला स्टेप देखिए, जब ये एक्टिवेशन होगा एडिनाइल साइक्लेज का तो क्या होगा, दिस मतलब एडिनाइल साइक्लेज का एक्टिवेट हो जाना, दिस विल कैटलाइज द प्रोडक्शन ऑफ सीएएमपी साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये जो कन्वर्ट होंगे एडिनाइल साइक्लेज वो कैटलाइज करेंगे आपकी कन्वर्जन के लिए प्रोसेस को और प्रोड्यूस करेंगे वाया सीएएमपी। इसकी वजह से क्या होगा, इस प्रोसेस का रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, ये होगा स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। देखिए स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कॉज हो रहा है, एक कदम पीछे जाऊं तो देखिए कारण क्या था, कैटलाइजेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ सीएएमपी, ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये कैसे बना, ये बना एडिनाइल साइक्लेज की वजह से। एडिनाइल साइक्लेज कैसे स्टार्ट होना शुरू हुआ, प्रोसेस
प्रोसेस कैसे पाथवे बना, जब आपके बीटा टू एगोनिस्ट कपल्ड होते हैं जीएस के साथ में, तो आपको आगे की ओर भी बढ़ना है और साथ साथ क्रॉस चेक करने के लिए पीछे की ओर भी जाते रहना पड़ेगा, तब आपको हर एक स्टेप क्लियर होते चलेंगे। जब स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएगा तो अस्थमा की प्रॉब्लम, जो अस्थमा की वजह से कॉन्स्ट्रक्शन था, वो तो ऑटोमेटिकली आपका ठीक हो जाएगा। तो इनका एक्टिवेशन होगा और स्मूथ मसल को रिलैक्स करेंगे। आगे का कॉन्सिक्वेंस क्या कहता है, अब जाकर के इन द लंग्स, अभी हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर लंग्स की बात करूं तो इन द लंग्स सीएएमपी, जो हमारा साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बना हुआ है यहां पे आप देख सकते हैं, ये क्या करता है, पहले तो मैं इसको अंडरलाइन कर लूं क्योंकि यही मेन कॉज है करवाने के लिए। तो ये जो सीएमपी है वो आपके डिक्रीज करता है इंट्रासेल्युलर कैल्शियम लेवल को। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये जो CAMP का कॉज है वो है डिक्रीज इंट्रासेल्युलर कैल्शियम लेवल। अब इंट्रासेल्युलर कैल्शियम लेवल कम होगा तो आपको मालूम है कैल्शियम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए ही है। अगर मैं कैल्शियम के लेवल को कम कर दूं तो डेफिनेटली कैल्शियम की ज्यादा होने की वजह से, कैल्शियम की वजह से जो स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, मैं बात करूं लंग्स में अगर ब्रोंकिया में, तो वो प्रॉब्लम थी। लेकिन अभी तो आप देख रहे हैं कि यहां पे लेवल कम हो रहा है और इसकी वजह से क्या होगा, इट विल कॉज स्मूथ मसल रिलैक्सेशन एज अर्लियर पॉइंट लाइक। तो ये उसके काम करने का तरीका हुआ। यहां पे एक और अफेक्ट करेगा, ये जो कैल्शियम के लेवल है वो दूसरी जगह भी अफेक्ट करेगा, कैसे, आइए देखिए। दिस बीटा टू एगोनिस्ट, बीटा टू एगोनिस्ट इंक्रीज द कंडक्शन ऑफ कैल्शियम डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल। देखिए ये जो बीटा टू एगोनिस्ट है, ये तभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ये इंक्रीज करता है कंडक्शन ऑफ कैल्शियम डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल, यानी कि कैल्शियम के कंसंट्रेशन पे डिपेंड होकर के ओपन क्लोज होने वाले पोटेशियम चैनल की। तो अभी आपने देखा कि ये इनहिबिट करता है इंट्रासेल्युलर कैल्शियम लेवल को, तो ये स्टार्ट हो जाएंगे एक्टिविटी को और इसकी वजह से जो पोटेशियम है इंट्रासेल्युलर से वो एक्स्ट्रासेल्युलर इफ्लक्स की ओर मूव करने लगेंगे एंड द चैनल्स विल टेक प्लेस इन अ स्मूथ मसल ऑफ एयरवे, ये होंगे। और आगे वजह से क्या होगा, जब पॉजिटिव चार्ज वाला पोटेशियम आपके सेल के अंदर से सेल के बाहर की ओर ज्यादा मात्रा में निकलने लगेंगे तो अंदर पोलराइजेशन होना शुरू होगा। क्योंकि अधिक मात्रा में हो रहा है इसलिए पोलराइजेशन के पहले हमको हाइपर वर्ड लगाना पड़ेगा ज्यादा मात्रा में दिखाने के लिए, दैट इज कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन। सो दिस लीड्स टू हाइपर, ज्यादा मात्रा में, और पोलराइजेशन मतलब नेगेटिविटी का बढ़ना या तो पॉजिटिविटी का घटना, दोनों का एक ही मतलब है। अगर आप एक्शन पोटेंशियल को नहीं समझ चुके हैं आज तक, तो हमने इसके ऊपर दो वीडियो अपलोड किए हुए हैं, एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल, आप इन दोनों को देख सकते हैं, एक व्हाइट बोर्ड के फॉर्म में डिटेल से, दूसरा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के फॉर्म में ओरल तरीके से एक्सप्लेन है। तो ये दोनों की कॉज क्या होंगे, इन दोनों की वजह से स्मूथ मसल में रिलैक्सेशन कॉज होगा। अल्टीमेटली आप एक चीज तो कॉमनली देख रहे होंगे, आपका स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, अगेन रिलैक्सेशन, और हमको ब्रोंकोडायलेटर या रिलैक्सेशन तो कॉज करना ही है। इस तरीके से हमारे ड्रग काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, स्टिमुलेशन ऑफ B2 रिसेप्टर, B2 रिसेप्टर का स्टिमुलेट करना क्या करता है, डिक्रीज द फंक्शन ऑफ इंफ्लामेटरी सेल्स। लाइक ये जो बीटा टू के एक्टिवेशन है वो उन सेल की एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे जिनकी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंफ्लामेशन कॉज करने के लिए, यानी कि ये उन इंफ्लामेशन को कॉज करने वाले सेल को इनहिबिट करके इंफ्लामेशन को कम करेंगे। और इसीलिए हमने यहां पे लिखा हुआ है एग्जांपल के रूप में, वो कौन कौन से सेल है, ये है मास सेल, ये है आपका बैसोफिल, आप ही जानते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ बैसोफिल, इओसिनोफिल, और आपके न्यूट्रोफिल्स, और फिर लिम्फोसाइट, ये जो है वो इंफ्लामेशन को स्टार्ट कॉज या उनको फ्लक्चुएट करने वाले एजेंट हैं, सेल हैं, इन्हीं की एक्टिविटी को कम करके हमारे जो बीटा टू एगोनिस्ट हैं वो एज अ एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी शो करते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट के रूप में नोट करिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि बीटा टू एगोनिस्ट डायरेक्टली एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन शो करेंगे और इसका यूज कहीं और तरह के इंफ्लेमेशन को कम करने के लिए करेंगे, तो ऐसा नहीं है। और इसी बात को समझाने के लिए हमने यहां पर एक नोट डाला हुआ है, बीटा टू एगोनिस्ट डोंट हैव द एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी बाय देमसेल्फ, वो खुद कोई एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी कॉज नहीं करेंगे, ये मीडिएट करेंगे एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी को बाय सच सेल जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंफ्लामेशन के लिए, इनको कम करके इंफ्लामेशन को कम करते हैं। आगे हम बात करते हैं, जो बीटा टू रिसेप्टर है, बीटा टू रिसेप्टर का एक्टिवेशन है इन इंफ्लामेटरी मीडिएटर सेल, ये बीटा टू रिसेप्टर इंफ्लामेटरी मीडिएटर सेल में काम करेंगे और इंक्रीज करेंगे सीएएमपी डिपोजिशन या एक्यूमुलेशन को, वो फिर से रिएक्शन कॉज करेगा ऊपर की तरफ, और दिस देन डिक्रीज द रिलीज ऑफ इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स, ये फिर से वापस ऐसे एजेंट को रिलीज करने से
कम करेगा, इनहिबिट करेगा, जो कि इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से यहां भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज को कम करके एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी शो करेंगे और फिर उसी के बाद जो साइटोकाइनिन्स है इनको भी अफेक्ट करेंगे और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को हटा करके ब्रोंको डायलेटर या रिलैक्सेशन का इफेक्ट देना शुरू करेंगे। आगे हम बात करते हैं लास्ट में, तो देखिए नॉन सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट, अभी तक हम बात कर रहे थे सेलेक्टिव बीटा 2, या मैं नॉन सेलेक्टिव की बात करूं तो उसमें वो बीटा 1 भी आ जाएगा बीटा 2 भी आ जाएगा, लेकिन उसमें मेजर हम लोग कंसर्न जो है हमारा वो बीटा 1 के लिए है। तो इस तरह से नॉन सेलेक्टिव में कॉज हो जाएगा टैकीकार्डिया, टैकी मतलब होता है इंक्रीज बढ़ना, टैकीकार्डिया मतलब होता है हार्ट रेट का इरेगुलर रूप से बढ़ जाना, दैट्स कॉल्ड टैकीकार्डिया, कम हो जाना कहलाता है ब्रेडीकार्डिया। साथ साथ आप पाएंगे पाल्पिटेशन भी कॉज होता है, ये सब अनवांटेड इफेक्ट है और हमको देखने को मिलेंगे अगर हम स्पेसिफिकली नॉन सेलेक्टिव लेते हैं या बीटा 1 रिसेप्टर लेते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, कभी भी हमको नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं यूज करने हैं ऐसे केस में जब पर्टिकुलर पर्सन को अस्थमा भी है और हो सकता है उसको हाइपरटेंशन भी है, तो उसके लिए बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ऑलवेज प्रीफर बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी होगी डिफरेंट कॉम्प्रेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फ्रेंड आज के इस एक्सप्लेनेटरी वीडियो के लिए फर्स्ट पार्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर सिंपैथोमिमेटिक ड्रग या यू कहो कि ब्रोंकोडायलेटर ड्रग, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आज के बुक का रेफरेंस की मैं बात करूं तो आज हमने केडी त्रिपाठी को नहीं यूज किया है, आज हमने यूज किया है पी जगदीश प्रसाद की बुक को। तो इस तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने के लिए आप अभी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना एक मिनट जरूर दें आपको ये बताने के लिए कि हमारा एफर्ट आपको कैसा लग रहा है, आपका एक मिनट हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल होता है। सो प्लीज गिव योर वेरी प्रीसियस टाइम, एक मिनट का टाइम दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, हम आपके लिए अपना पूरा लाइफ दे रहे हैं, केवल केवल एक मिनट चाहिए। सो एट द लास्ट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्कार।